सरकारी आवास पर बाबूजी मना रहे थे रंग रलिया, लेकिन तभी धमक पड़ी पत्नी, और फिर क्या भैया, हुड दिए गए बाबू साहब, जमकर हुड दिए गए। ऐसा बीवी ने तांडव मचाया कि शर्म के मारे लाल लाल हो गए। मामला बहराइच का है, जहां सिंचाई विभाग में काम करने वाले अवर अभियंता यानी जेई साहब सरकारी आवास में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे। शाम जमा हो रही थी, पत्नी घर पर नहीं थी, तो इंजीनियर साहब का मन मयूर बन मानो नाचने लगा। लेकिन उन्हें कतई इस बात का इल्म नहीं था कि उनके इस मयूर नृत्य पर पत्नी का तांडव भारी पड़ जाएगा। जिस वक्त इंजीनियर साहब आशिकी में डूबे थे, उसी वक्त मायके से उनकी पत्नी अपने भाइयों के साथ पहुंच गई। और जब रंगे हाथों पकड़े गए इंजीनियर साहब, तो बीवी का ऐसा गुस्सा फूटा कि दे दनादन शुरू हो गई थप्पड़ों की बारिश, साथ में बिजली की कड़क की तरह गालियों का सिलसिला भी। इंजीनियर साहब दया दया करते रहे, पत्नी को मनाने समझाने की कोशिशें भी जारी रही, लेकिन मानो पत्नी ने चंडी का रूप धर लिया था। वो कहां रुकने वाली थी? दरअसल बताया जा रहा है कि इन इंजीनियर साहब की पत्नी श्रावस्ती में सरकारी टीचर हैं, और पिछले कुछ दिन से वो तबीयत खराब होने पर इलाज के लिए रायबरेली में अपने मायके में थी। इस बीच इंजीनियर की पत्नी को किसी ने खबर दी कि उनकी गैर मौजूदगी में उनका इंजीनियर पति अपने सरकारी आवास पर बाहर से आई किसी लड़की के साथ है। बस फिर क्या था, बीवी ने बांधा बुरिया बिस्तरा और आ धमकी पति को रंगे हाथों पकड़ने के लिए, और फिर तो मानो कांड ही हो गया, मच गया हंगामा। महिला के साथ आए उसके भाइयों ने भी जीजा की खातिरदारी थप्पड़ों घूंसों से कर दी। बताया जा रहा है कि सरकारी आवास पर पति की कुटाई के बाद इस महिला ने पुलिस को भी बुला लिया। घटना की जानकारी मिलने पर देहात कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को थाने ले गई। हालांकि इस दौरान इंजीनियर ने दोबारा ऐसी हरकत नहीं करने का वादा किया। कस्मे वादों का सिलसिला शुरू हुआ और आखिरकार इंजीनियर की पत्नी का दिल पसीज गया और पुलिस के सामने हो गया सुलह समझौता। लेकिन जिस तरह से सरकारी आवास पर काफी देर तक ये बवाल कटा रहा, उससे आसपास के लोग भी मानो सकते में आ गए थे। वहीं पर किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बना डाला और अब इंजीनियर साहब की पिटाई का ये वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ पर हमने निजता का ख्याल रखते हुए इन इंजीनियर साहब और उनकी पत्नी का नाम गुप्त रखा है। बहराइच से रामबरन चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।